कहानी हमारी एक ऑफिस के मैनेजर की। किसकी? ऑफिस की मैनेजर की। मैनेजर की। तो एक बार एक ऑफिस में एक आदमी था जिसका नाम था श्यामलाल। क्या नाम था? श्यामलाल। रोज काम पे जाता था। तो श्यामलाल एक दिन ऑफिस में जाता है तो श्यामलाल को उसका ऑफिस का मैनेजर बहुत डांटता है। क्या करता है? बहुत डांटता है। तुम काम चोर हो, तुम काम नहीं करते, तुमको मैं नौकरी से निकाल दूंगा, तुमको सस्पेंड कर दूंगा। बेचारे को पूरे ऑफिस के स्टाफ के सामने खूब डांट देता, उसकी बेइज्जती हो जाती है। अब वो आता है अपने घर, खूब गुस्से में रहता है। तो जैसे ही गुस्से में अंदर पहुंचता है, उसकी बीवी कुछ बोलती है, अपनी बीवी को मारता है एक कंटाप खींच। अब बीवी भाई भारतीय बीवी, भारतीय नारी बीवी, पति का सम्मान करने वाली बीवी, तो पति को मार तो सकती नहीं है। वो भी झल्ला के अंदर जाती है। छोटे बेटे और बड़े बेटे आपस में क्या कर रहे होते हैं? झगड़ा कर रहे थे। बड़े बेटे को खींच के एक तमाचा वो लगाती है। अब बड़ा बेटा मम्मी से छोटा, तो मम्मी को तो कुछ कर नहीं सकता। वो भी गुस्सा के छोटा जो भाई बैठा हुआ तो खींच के क्या लगाता है? एक तमाचा लगाता है। अब बेचारा वो छोटा भाई, वो तो उसके अंदर उतनी ताकत ही नहीं कि बड़े भाई से लड़ सके। वो क्या किया? वो रोते रोते बाहर गया। बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था, उठा के एक अद्धा उस कुत्ते को मार दिया। अब बेचारा वो कुत्ता बेजुबान जानवर बच्चे का तो कुछ कर नहीं सकता था। वो भी पैर पैर रोते हुए गया। वहां एक आदमी जा रहा, तो उस आदमी की टांग से ठीक। अब इतनी कहानी हुई। अब क्या हुआ? सुबह वो जो आदमी डांट खाया था श्यामलाल, वो ऑफिस जाता है तो मैनेजर उसको फिर बुलाता। तो कहता यार आज फिर मैं गया, तो देखता कि मैनेजर के पैर पे पट्टी बंधी हुई थी। तो पूछता है साहब ये क्या हुआ? बोला यार कल मैं रास्ते में पैदल जा रहा था तो मुझे एक पागल कुत्ते ने काट लिया। तो पता है वो कुत्ता कौन था? जिसको छोटे बच्चे ने ईटा मारा था। समझ में आया? यानी अगर आप किसी को बेवजह नुकसान पहुंचाओगे तो उसकी सजा घूम फिर के आपको किसी न किसी रास्ते मिल जाएगी। जैसे मैनेजर ने उस श्यामलाल को डांटा, श्यामलाल ने बेवजह अपनी माँ बीवी को मारा, उसकी बीवी ने बेवजह अपने बड़े बेटे को मारा, उसके बड़े बेटे ने बेवजह अपने छोटे भाई को मारा, और छोटे भाई ने बेवजह उस कुत्ते को मारा, और उस कुत्ते ने जाके किसको काट लिया? उस मैनेजर को काट लिया। पहली गलती की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैनेजर से। मैनेजर को भी उसकी गलती का फल मिल गया। समझ में आया? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें कभी भी बेवजह किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो।